बॉक्स ऑफिस पर तो झगड़ते हुए कई लोगों को देखा है, यानी कि कई ब्लॉकबस्टर मूवीज जब एक साथ रिलीज होती हैं, तो हर कोई उम्मीद करता है कि फैंस उनकी फिल्में देखने जाएंगे और ये बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इनका हाई हो सकता है और उनका लो। लेकिन चार ऐसे प्लेटफॉर्म है ओटीटी पर जिनके बीच में अब जंग होने वाली है, और वो जंग होगी 31 जुलाई को, कि हर कोई जो है वो बड़ी से बड़ी फिल्में अनाउंस कर रहा है ताकि उनकी व्यूवरशिप बढ़ जाए। कौन से है वो प्लेटफॉर्म, कौन सी ऐसी फिल्में हैं जो 31 जुलाई को एक साथ रिलीज हो रही हैं, बताऊंगी इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं रुदम ठाकुर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेडलाइंस। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर चार ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म है जिनका नाम जो है हर कोई जानता होगा, हर किसी के मोबाइल में भी होगा। लेकिन इसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक साथ चार फिल्में रिलीज होने वाली हैं 31 जुलाई को। लेकिन अब आप ये सोचिए कि एक साथ रिलीज करने की जरूरत क्या थी भैया, समय तो ऐसा है कि अगर आप थोड़े एक हफ्ते के गैप में भी रिलीज करेंगे या दो दिन के गैप में भी रिलीज करेंगे तो भी लोग फिल्में देखेंगे। लेकिन ये ओटीटी प्लेटफॉर्म जो जंग हो रही है वो इस वजह से हो रही है ताकि हर किसी की व्यूवरशिप बढ़े। अब ऐसे में देखना दिलचस्प है कि भाई कौन सी फिल्म को पहले देखा जाएगा, कौन सी फिल्म को नहीं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन से प्लेटफॉर्म पर कौन सी फिल्में रिलीज होने वाली है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ये चार बड़े जो प्लेटफॉर्म है, पहले उनके नाम बता देती हूँ, Z5, Netflix, Amazon Prime और Disney Plus Hotstar। ये चारों ऐसे प्लेटफॉर्म है जो इस समय सोशल मीडिया पर भी अगर आप देखेंगे तो एक जंग करते हुए नजर आ रहे हैं, एक के बाद एक बड़ी बड़ी फिल्में अनाउंस कर रहे हैं। अब ऐसे में शकुंतला देवी जो कि प्राइम पर रिलीज होने वाली है, लूट केस जो कि डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज होने वाली है, रात अकेली है नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है, और यारा यानी कि विद्युत जामवाल की फिल्म यारा रिलीज होने वाली है Z5 पर। वेल, अब ये चारों फिल्में एक साथ 31 जुलाई को एक साथ भिड़ने वाली है। आपको क्या लगता है किस प्लेटफॉर्म को, किस डिजिटल को सबसे ज्यादा व्यूवरशिप मिलेगी, आप कौन सी फिल्म के लिए एक्साइटेड है? ये चारों फिल्में एक साथ प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है, क्या कहना चाहेंगे आप लोग, कौन सी फिल्म के लिए एक्साइटेड है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए बॉलीवुड हेडलाइंस।